तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैप्टन मुंबई पर। तो आज हम ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और आप उसे खुशी खुशी खाते हैं और आप अपने बच्चों को भी ये खुशी खुशी खिलाते हैं। ये इतनी इजीली अवेलेबल है मार्केट में कि आपको ये किसी भी दुकान पर मिल जाती है। रिसर्च के अनुसार इसको कोकेन से भी ज़्यादा अडिक्टिव माना गया हुआ है। तो ये वो वाइट पाउडर है, ये वो वाइट सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं शुगर। तो चलिए समझते हैं कि शुगर जैसा हार्मलेस सब्सटेंस कैसे हमारे बॉडी पे असर करता है, और ये इसको कम्प्लीटली हमें लाइफ से कट ऑफ कर देना चाहिए या इस एडिक्टिव चीज़ को कैसे यूज़ करना चाहिए ज़िंदगी में, इसके बारे में हम ये पूरे वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम हाई शुगर या फिर शुगर वाली, शुगर से बनी हुई आइटम जैसे कि चॉकलेट, स्वीट्स हम खाते हैं, तो हमारे स्वीट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं और ब्रेन में दिवाली हो जाती है। और जैसे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया है जो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि जो ड्रग लेने पे एक्टिवेट होता है वही शुगर लेने पे एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ पे एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसे हम डोपामाइन भी कहते हैं, और साथ ही साथ एक स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। शुगर और ड्रग्स में यही सिमिलैरिटी है कि ब्रेन को पता नहीं चलता कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ पे ओवर कंजम्पशन हो रही है, कहाँ पे कंजम्पशन को स्टॉप करना है या कट ऑफ करना है। तो जब ब्रेन को पता नहीं चलता कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ ओवर कंजम्पशन हो रही है, तो वहीं हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है। और जब ये ओवर ईटिंग हो जाती है तो वहाँ पे हमारे ब्रेन में ऐसे न्यू कनेक्शंस पैदा होने जाते हैं, ऐसे न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं जिससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और हमारे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कुछ खुश होने का मतलब या खुशियाँ लाने का मतलब है कि कुछ मीठा हो जाए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मीठा या ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने से प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। प्रॉब्लम्स काफ़ी अनगिनत है, अगर आप उसको एकदम लिमिटेड मात्रा में लें तो प्रॉब्लम आप कम कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, पुअर स्लीप होता है, मेंटल हेल्थ होता है, एक्ने और गोट, किडनी स्टोन, काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर कि शुगर कंज्यूम करने से ये प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए आगे और इसके बारे में विस्तार में डिस्कशन करते हैं। तो शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसको स्टमक को ब्रेक डाउन करना बहुत ही ईजी होता है, और पैनक्रियाज जो है कि वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है जो शुगर को अपने अंदर स्टोर करता है, पर जब अगर बॉडी में हद से ज़्यादा अगर शुगर हो जाता है तो उसका स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और ये चीज़ क्या होती है, शुगर फैट में कन्वर्ट होती है। फैट में कन्वर्ट होने के बाद भी कुछ जो पार्ट होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड में जाने से लोगों को एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम सबको पता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज। और डायबिटीज़ अपने भारत में देखेंगे तो कम से कम 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं, और 13 करोड़ से भी ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि शुगर कितनी मात्रा में लेना ओके है। सो वी ऑफन थिंक शुगर इज इक्वल टू दिस, जो हम चाय में मिला के पीते हैं, कॉफ़ी में मिला के पीते हैं, पर शुगर के अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, कॉर्न सिरप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। WHO के मुताबिक एक इंसान को दिन में 50 ग्राम यानी कि 10 चम्मच के ऊपर शुगर नहीं कंज्यूम करना चाहिए। एक 8 साल की रिसर्च के हिसाब से अगर आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड फैट डिपॉजिट। फॉस्फोरिक एसिड के वजह से हमारे जो दांतों के एनेमल हैं वो कोरोड हो जाते हैं। सो कंक्लूजन इज इट्स बेटर दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स आउटसाइड द बॉडी। तो ये सेकेंड पार्ट हम इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर के वजह से कैमरा में इसके बाद वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और इसीलिए आप मुझे देख रहे हैं कि मेरा अवतार थोड़ा चेंज हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि शुगर के बदले जागरी यूज़ करना सही है या नहीं। आई वुड से द आंसर इज मार्जिनली येस, बिकॉज जैगरी में जो सुक्रोज की परसेंटेज होती है वो 85% है, और जो शुगर में सुक्रोज की परसेंट है वो 100% है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर शुगर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो अपने कॉफ़ी में गुड़ मिला के कॉफ़ी पी सकते हैं। अभी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अब से जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, वो आप पढ़ना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा जो भी 0% शुगर या जीरो शुगर बोल के जो चीज़ें हमको बेची जा रही है वो एक्चुअली हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, सारे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि हम उसके इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को पढ़ नहीं रहे हैं। हम आँख बंद करके जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जो भी उनके एडवर्टाइजिंग टेक्निक से बनाई गई प्रोडक्ट के जो रैपर्स हैं उसको पढ़ के हम चीज़ें खरीद ले रहे हैं। सो आप हमेशा प्रोडक्ट को पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए और उसको विजुलाइज कीजिए, ग्राम्स को टीस्पून में कन्वर्ट करके चेक कीजिए। हाँ, ये विजुलाइज करना या कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो उसके लिए मैं एक URL डाल देता हूँ जो जिस पर आप क्लिक करके उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे रिसर्च के हिसाब से हमें ये भी पता चला है कि जो ज़ीरो एडेड शुगर बोल के जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप या फिर ब्राउन राइस सिरप या अगैव नेक्टर, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, पर ये सारी चीज़ें लिख के हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अगर हमको अच्छा लाइफ जीना है, अच्छा डाइट फॉलो करना है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, उसमें 3 पॉइंट्स हैं कि पहले जो इनविजिबल शुगर है हमारे लाइफ से उसको निकालना पड़ेगा। अगर आपको मीठा खाने का मन करता है या खाने के बाद आप सोचते हैं कुछ तो मीठा हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप घर पे कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं कि जो नेचुरल चीज़ों से बना हो, हनी हो गया, डेट्स हो गया, अंजीर हो गया, काफ़ी सारे चीज़ हैं जिससे आप कुछ स्वीट घर पे बना सकते हैं। और फिर भी अगर आप शुगर डालना चाहते हो घर पे बनाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कितना शुगर डालना चाहेंगे और कम से कम शुगर यूज़ कीजिए। इसके अलावा जो भी पैक चीज़ें होती है वो उसका यूसेज कम कर दीजिए। इससे ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, इससे आप काफ़ी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे और अपने डाइट से आप शुगर को कट कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ, ये कन्वे करना चाहता हूँ कि मीठा खाना तो सबको पसंद है, तो मीठा अचानक से एकदम बंद कर देना या बिल्कुल भी नहीं खाना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये करना ज़रूरी है, यही करना चाहिए आपको, बट ये मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे जो शुगर आप कंज्यूम करते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। नेचुरल शुगर जो है अवेलेबल हमारे लिए, जो नेचर ने अवेलेबल करके रखा है, उसको ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विश यू ऑल अ हेल्दी वेल्दी एंड अ प्रॉस्परस डे। ड्रीम बिग, लिव बिगर एंड मेक इट लार्ज। यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।